अब यहाँ से तुम देखोगे बेसिकली इस वाले सवाल को, तो ये भी एक आसान सवाल है। कहता है क्वायल इज प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड सच दैट प्लेन ऑफ द क्वायल इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो चलो एक क्वायल है, ऐसे एक सर्कुलर क्वायल है, और इसको मैं मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, जो कि इस स्क्रीन के परपेंडिकुलर इनवार्ड है, ठीक है, तो ऐसे मैंने लगा दिया क्रॉस। अब इस क्वायल की जो रेडियस है वो आर है, ठीक है। तो ये कहता है द फ्लक्स एसोसिएटेड विद द क्वायल विल चेंज। तो कब इससे एसोसिएटेड फ्लक्स चेंज होगा? देखो, तो फ्लक्स एसोसिएटेड विद क्वायल क्या होता है? फ्लक्स इज इक्वल टू होगा बी ए कॉस थीटा, ठीक है। तो अगर इसका डेरिवेटिव लोगे तो ये तीन वेरिएबल आ जाएंगे, वेरिएबल बी ए और थीटा। अगर इन तीनों को चेंज कर दोगे, अगर ये तीनों चेंज हो जाए, कोई एक चेंज हो, तीनों एक साथ चेंज हो, तो जो फ्लक्स है वो चेंज हो जाएगा भाई, सिंपल सी बात है यार, ठीक है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, मतलब इंक्रीज या डिक्रीज होगा, तो फ्लक्स विल उसी हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा, मान लो, तो फ्लक्स इंक्रीज होगा, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा। तो बाई चेंजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल सही बात है, मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड चेंज करोगे तो फ्लक्स तो बदल ही जाएगा। बाई चेंजिंग द एरिया, ऑब्वियसली हो सकता है क्वायल धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट होने लगे, छोटा होने लगे या बढ़ने लगे, तभी भी मैग्नेटिक फील्ड बदले बदले एरिया बदलने से फ्लक्स बदल जाएगा। बाई मतलब ये सही है, बी सही है, ए सही है। बाई चेंजिंग द एंगल बिटवीन द, और हो सकता है इस क्वायल को मैं घुमा दूँ, रोटेट कर दूं, तो थीटा 90 से 30 हो जाएगा, तो ये भी सी भी सही है, तभी भी फ्लक्स बदल जाएगा। बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एब्रप्टली विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड। अब देखो मेरे भाई, अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बदल दोगे बहुत एब्रप्टली, समझ रहे हो ना, तो और मैग्नीट्यूड सेम है, तो डायरेक्शन बदलने से फ्लक्स थोड़ी बदल जाएगा, ये वाला चीज, ठीक है। तो यहाँ से तुम डायरेक्शन बदले हो, मैग्नीट्यूड नहीं बदले हो, तो डी ऑप्शन गलत है, मतलब ए बी सी सही है। तो ए सही है, बी सही है और सी सही है, मतलब सेकेंड ऑप्शन सही है, बाकी गलत है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।